हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। आज हम चार क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, नथिंग एल्स। अदरवाइज अगर आपने एक बार स्टेटमेंट को समझ लिया, उसके बाद आपको पता ही सिंपल फॉर्मूले है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब जो थ्री डिजिट नंबर हैं, एक बात सोचने वाली है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? आपके 100 से शुरू होते हैं। तो क्या 100 डिविजिबल है? नो। 101? नो। 102? नो। 103? नो। 104? नो। 105? यस, दिस वन इज डिविजिबल, ओके। देन यू राइट, ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको ये लिखना नहीं है, आपको लिखना क्या है? फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105, ठीक है। अब अगला जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ओके। तो 107 अगर आपके पास जिस टर्म से डिविजिबल हो रहे हैं, वो जैसे अगर मैं 7 का टेबल लिखती हूँ तो 14, 21, देखिए 7-7 का डिफरेंस है ना। इसी तरीके से अगर आपकी A1 105 है, तो जो आपकी A2 है दैट विल बी 105 प्लस 7, ठीक है, तभी वो डिविजिबल होगा। ऐसे हम टेबल में करते हैं, 7 के टेबल में 7, 14, 21, 7-7 का गैप है, तो यहाँ पे भी 7-7 के हिसाब से हम इसे ऐड कर देंगे एंड इट इज 112। दिस वन इज योर A2। और आपके पास जो D है वो कितना है? 7, क्योंकि 7 से आपको उसको डिवाइड करना है, तो 7-7 का डिफरेंस होना चाहिए। उससे कम होगा तो उतना ही आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आपके पास ये आ रही है टर्म, अब बात आती है लास्ट की, ठीक है। आपको पता है कि 1000 जो आपका 1000 होता है दैट इज योर 4 डिजिट, ओके। लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999। आपने किया इसको 7 से डिवाइड, ठीक है, 7 से डिवाइड। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 5। इसका मीनिंग क्या है कि आपको इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। और इससे चलिए, अगर आपको ये भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप पीछे से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 999 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट 998? नो। 997? नो। 996? नो। इसी तरीके से आप डिवाइड करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो नंबर डिविजिबल मिलेगा, जो आपको नंबर डिविजिबल मिलेगा दैट इज 994, ओके। आप यहां लिखेंगे देयरफोर दिस सीरीज बिकम्स क्या हो गई? 105 112 119, सो ऑन, एंड लास्ट नंबर डिविजिबल बाय थ्री डिजिट होना चाहिए बाय 7 is 994, that is your 994, okay। तो ये आपका हो गया an, that is your 994। अब उसने पूछा है how many, कितनी, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसके अंदर n, क्या निकालना है? n। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, an is equal to a plus n minus 1 into d। an आपका है 994, a है आपका 105, n आपको निकालना है और d है आपका 7। आफ्टर दैट 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7, राइट। अब इसको इधर ले आइए, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका 889 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n, राइट। तो यहां से आपकी n की वैल्यू जो है वो आ रही है 128। यानी इतनी ऐसी टर्म्स हैं आपके पास, इतनी ऐसी टर्म्स हैं जो थ्री डिजिट हैं और 7 से क्या होंगी? डिवाइड होंगी, ओके।
आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 40. ओके, अब देखिए यहाँ बोला गया हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से. अब इसने बोला बिटवीन, पहली बात तो कि इनके बीच में, ठीक है. अब इनके बीच में पहला नंबर जो 4 से मल्टीपल है तो इसका मतलब उससे डिवाइड भी होगा, मल्टीपल तो डिवाइड भी होगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4 इज 12. तो आपका जो A1 है वो आ गया 12. अब 4 के मल्टीपल है तो 4 ऐड होगा, तो A2 हो जाएगा 12 प्लस 4, दैट इज योर 16. आफ्टर दैट A3 विल बी 16 प्लस 4, दैट इज योर 20. अब 250 तक आप ऐसे तो नहीं चल सकते, आपको लास्ट टर्म भी निकालनी है. An, दैट इज योर लास्ट टर्म विल बी मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4. अब 250 से पहले आपकी 248 कंप्लीट मल्टीपल है, अदरवाइज हर किसी में आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है. तो 248 इज मल्टीपल ऑफ 4. अब सिमिलरली आपको A पता है कितना है 12, आपको An पता है कितना है 248, आपको D पता है कितना है दैट इज योर 4, और आपको निकालना है N. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. और उसी तरीके से इसे क्या करना है, सॉल्व, और यहाँ पे आपको N की वैल्यू निकालनी है. ओके, आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आपको 2 AP गिवन है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N, nth टर्म ऑफ दीज 2 APs आर इक्वल. ओके, nth टर्म सॉल्यूशन, लेट An टर्म विल बी इक्वल. ओके, फॉर AP 63, 65, 67, ठीक है, यहां से आपका A कितना है 63 और यहां से आपका D कितना है 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2. एंड फॉर AP 3, 10, 17 एंड सो ऑन, यहां से आपका A कितना है 3 और आपका D कितना है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7. अब A एंड टर्म इक्वल है नाउ, राइट. मान लीजिए अब A nth टर्म दोनों के आपको इक्वल रखनी है. An फॉर फर्स्ट AP यहां लिख दीजिए, यहां पर लिख लीजिए फर्स्ट सेकंड, और वी कैन से An फॉर सेकंड. हमें नहीं पता कौन से N के लिए है, हम अभी वो N फाइंड आउट करेंगे. ओके, An का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब ऐसा नहीं है कि A दोनों जगह सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, नो. इसके लिए A डिफरेंट है और इसके लिए A डिफरेंट है. ये फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP में A कितना है 63, N माइनस 1 और D कितना है 2. यहां पर A कितना है 3 प्लस N माइनस 1, D कितना है 7. अब आप इसे शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 7N माइनस 7, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस 2N एंड माइनस 2 दैट इज प्लस 2, ठीक है. तो यहां से आपके टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 माइनस 5 हेयर इज प्लस 5 एंड दिस वन इज 5N, ठीक है. 65 बाय 5 इज इक्वल टू N, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 13, N इज इक्वल टू 13. तो 13th टर्म जो है वो आपको लिखना है एंड में, हैंस 13th टर्म विल बी सेम फॉर बोथ द APs, राइट. एंड में आपको फाइनल कंक्लूजन जो है वो जरूर देना है, राइट. आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12. अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया है, एक्सीड वाला. मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बताऊंगी, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है. डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म A3 इज 16, ये आपको क्या है गिवन है, लिख दीजिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, A7 इज इक्वल टू 12 प्लस A5, ये आपको गिवन है. ओके,
अब आपको करना क्या है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देनी है। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d 12, और ये हो जाएगा a प्लस 4d। अब a सेम है क्योंकि एक ही ap की बात है, तो a से a कैंसिल, एंड 2d इज इक्वल्स टू 12 एंड d इज इक्वल टू 6। और फिर यहां से आप, मैं करवाई देती हूँ, d जो है यहाँ पुट करना है, तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 4। ap निकालनी थी पूरी, तो पहली टर्म 4, दूसरी टर्म क्या होती है a प्लस डी, ठीक है, तो यानी दूसरी टर्म 4 प्लस 6 इट विल बी 10। फिर से 6 ऐड करोगे 16, तो फाइनल एपी 4 10 16 इस तरीके से आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख के आपको सॉल्व करना है, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।